महाराज, जीवन में जब कोई समस्या, जीवन में कोई प्रश्न उठता है तो हमारी भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में पहले गुरु के द्वार जाते हैं। गुरुद्वार से जाकर उसका सॉल्यूशन मिलता है, उसका हल मिलता है। पर हमारे तो मामला ये विक्षिप्त हो गया है। लाओ लाओ मैया लाओ, जय दाऊ दयाल की, रखो वहीं पर। एक बार जोरदार ताली बजाइए, जितने लोग हैं उतना केला है, सबको मिलेगा, बजाओ। हाँ, ये सब लाइव में सब चल रहा है महाराज के, भगवान की कृपा है। आदमी गिन के आया, चिंता मत करो। भगवान गुरु के पास जा रहे हैं विद्या पाने के लिए। तुम्हारे संतान फास्ट फ्रेंड के पास जा रहे हैं। भगवान के पिताजी भी, जो पिताजी बन के आए हैं, जिनको पिताजी चुना है भगवान ने, उनके जीवन में भी जब कोई समस्या, कोई प्रश्न आ रहा है तो गुरुगृह जा रहे हैं। चरण लागी करी विनय विशाला, चरणों में गिर के विनय सहित उनके सामने अपना आग्रह रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। और ऐसा नहीं है कि गुरुजी के पास गए और गुरुजी हाँ इधर आ, ओम ऐंग ह्रीं क्रूं क्लूं फट ले जा, नहीं किया। अच्छा इधर आओ, हाँ ठीक है। श्रृंग ऋषि को जानते हो? उनको निमंत्रण दो जी गुरुदेव, यज्ञ करवाओ गुरुदेव, प्रसाद आएगा, उसका वितरण यथा योग्य भाग में कर देना। गुरुदेव ने आते के साथ कोई चमत्कार नहीं किया, कहा कर्म करो, जो मैं कह रहा हूं वो आयोजन और अनुष्ठान करो अकॉर्डिंग टू मी। दशरथ जी कहीं और भी जा सकते थे कि कोई ऐसा यज्ञ करो कि हमें बेटा हो जाए, पर दशरथ जी यज्ञ भी करेंगे अपने गुरु के अनुरूप, गुरु आज्ञा के अनुसार। भगवान राम के ऊपर भारतीय सनातन संस्कृति की बातें चल रही है, सभी राम की बातें कर रहे हैं, तो इस मर्म को भी जानना बहुत जरूरी है, छोटे छोटे मर्म को। उस परिवार की यह नीति है, उस वंश की यह नीति है कि गुरु वहां सदा सर्वोपरि रहे। गुरु का अर्थ है ज्ञान, अंधकार से प्रकाश, और सदगुरु लग जाता है तो यह निश्चित हो गया कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम कृष्ण से ही जोड़ने वाले की बात चल रही है। और बाकी तो गुरु मैंने काशी में बताई दिया, गुरु तो सभी हैं काशी में, का गुरु तो हां गुरु, वो तो अलग बात है। तो माताओं, जीवन में कोई अगर समस्या आए, हम जो मैया को देख के बात कर रहे हो, मैया बार बार उधर देख रहे, तेरे उधर का है बताओ, कोई आयो है? ओ हरी वाली माता जो आप बैठी हो, काहे उधर बार बार देख रही हो तू मैया? हम तो ये देख रहे हैं कि इतनी प्यारी मैया बैठी है, बताओ इन हजारों लोगों में से हम तुमको चुने, तुम उधर पता नहीं किसको चुन के बैठ गई, मैया है इधर देखो, हम तुमसे बात कर रहे हैं, उधर ही देखे जा रही है। जब देखना कौन आयो भैया, हम देख लें एक बार, इधर देखो मैया, इधर से बात बनेगी, व्यासपीठ से कोई सूत्र लग जाएगा तो जीवन के बैठे बैठे न जाने कितने प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। ऐसी मस्ती में बैठे बैठे एकाग्रता बहुत जरूरी है। एकाग्रता का अर्थ होता है एक को अग्र करके चलना। हमारे जीवन में एक अग्र है, एकाग्र, एकाग्र माने तो कितना, आप क्या समझते हैं पंडित जी हैं? आप बोली नहीं, हम बोल देंगे अभियुक्तेश्वरानंद जी को, शंकराचार्य जो आपको हैं, एक को अग्र करके चले, ये तो हमारे ही सुन के बता रहे हो। एक को अग्र करके जब चलते हैं जीवन में, एक अग्र है मतलब एकाग्र। और आजकल कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, हमारा मन एकाग्र नहीं होता। और बताओ आगे, हमारी एक
स्कूल में कॉलेज में पढ़ती है उसके साथ मेरा मन लग गया है, और आगे कुछ बताओ। हमारा मन होता है कि हम अच्छा सा घर द्वार बना करके उसी के साथ जीवन जिए, और कुछ बताओ। हमारा एक फास्ट फ्रेंड है, उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। अबे तू एकाग्र होगा, तू पंचाग्र है, 5-7 लक्ष्य हैं इसके, और कह रहा है एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता का अर्थ जो मैंने आपको बताया था, जब तक मैं पढ़ा मैकॉले की शिक्षा, तब तक मुझसे जब कोई पूछता था व्हाट्स योर फेवरेट गेम, मैं कहता था स्टडी इज माय फेवरेट गेम। मैं स्टडी को ही गेम बना के जब तक पढ़ा तो उसको खेल बना के पढ़ा। तो आप भी जीवन में एकाग्र, एक को अग्र, और एक को अग्र इसलिए कह रहा हूं कि भगवान दाऊदयाल तो हमारे कृपाल हैं, सबके लिए हैं, नंदलाल सबके लिए हैं। पर जरा कभी विचार तो करो भैया कि नंदलाल और दाऊदयाल भी जब आए पृथ्वी पर अवतार लेकर के, तो वो भी सांदीपनी मुनि के आश्रम गए, और उनके भी कुल गुरु हैं, उनके जीवन में भी गुरु हैं। भगवान को गुरु की क्या जरूरत है? He is almighty, वो तो सर्व समर्थ हैं, उनको क्या जरूरत है। तो गीता में भगवान कह रहे हैं कि श्रेष्ठ लोग के आचरण जैसे होते हैं वैसे ही सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। अगर उनके कदम गड़बड़ हो गए, यद्दा चरति श्रेष्ठास तत्तदेवे तरो जना सयात् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान को पता है अगर हमने ये न किया तो सब कहेंगे अरे हम तो यहां गए, हमको गुरु की क्या जरूरत है, गुरु फुरु अपना देखें। और अर्जुन तो बेचारा कह रहा है कि तुम भगवानों हो, हमारे ममेरे फुफेरे भाई भी हो, हमारे फास्ट फ्रेंड भी हो, और तो और हमारे साला भी बन गए हो, तब बहु काम नहीं चल रहा है। बोला कब काम चलेगा? बोला शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य आप मेरे गुरु, तब बात बनेगी। कृष्णम वंदे जगत गुरु। इसलिए जीवंत भगवान लिविंग आइडियल को गुरु रूप में मान करके अर्जुन गीता का ज्ञान ले रहा है, और इसलिए हनुमान चालीसा भी ये कह रहा है जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहूं गुरु देव की नाई। इसलिए दशरथ जी के ऊपर जब कुछ भी हो रहा है तो गुरु गृह गया तुरंत महिपाला। ये कहेंगे ये दाऊदयाल का कथा करने आया है कि गुरु का कथा करने आया है? तो कोई दाऊदयाल नहीं मिलेंगे आपको,